आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक बनियाखेड़ा स्थित पहाड़पुर गांव पड़ा। लगभग 2400 की आबादी वाली है ग्राम पंचायत, जिला मुख्यालय से 31 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान मुन्नू सिंह हैं, जिन्होंने अपने गांव में बेहतर तरीके से विकास कार्य करवाया है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो वर्तमान समय में ग्राम प्रधान द्वारा सभी लाभार्थियों को पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 370 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो देखा कि वर्तमान प्रधान ने गांव में लगभग 19 हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति को दुरुस्त कराया जा सके। वहीं गांव में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 51 बिजली के पोल व 2 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। वहीं सीसी सड़कों का निर्माण भी वर्तमान प्रधान ने गांव में करवा दिया है। वर्तमान प्रधान ने गांव में शौचालयों का निर्माण करवाकर पात्रों को आवंटित भी किया जा चुका है, जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों का आवंटन भी पात्रों को किया जा चुका है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से केंद्र सरकार व राज्य सरकार से वर्तमान प्रधान ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र बनवाने काम सरकार कराए, साथ ही साथ गांव में फंड को भी दुरुस्त कराए, जिससे रुके हुए विकास कार्य को ग्राम प्रधान तेजी से शुरू करा सके। मैं ग्राम प्रधान मुन्नू सिंह, पहाड़पुर, जिला मुरादाबाद, तहसील बिरारी। मैंने रोड डलवाई, टाइल्स सी और स्ट्रीट लाइट लगवाई, और प्रधानमंत्री जो आवास आए 25 को बनवाए हैं। शौचालय अब काम चल रहा है शौचालय का। हमारे गांव में किस्त कम होने के कारण हमारे गांव का विकास पूरी तौर से सही नहीं हो पा रहा। अच्छा, हमारे यहाँ पंचायत घर भी नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है हमारे यहाँ पे, और संस्थान की स्थिति खराब है और स्कूल की स्थिति भी खराब है। हमारे यहाँ जो पहले स्कूल बने हुए हैं वो खराब बने हुए हैं, उसका लेंटर भी खराब है, बिल्डिंग खराब है, उसकी बिल्डिंग भी खराब है। मतलब हमारे यहाँ कम भी किस्त है, मतलब पैसा कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए मतलब हमारे यहाँ पूरा काम नहीं हो पा रहा है। हेडपम्पों के लिए कई बार हमने रीवोल्व डाल दी, अभी तक हमारे यहाँ रीवोल्व भी नहीं आई अभी तक।